छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के जरही नगर पंचायत क्षेत्र में 12वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर फांसी पर लटका दिए जाने से एक बार फिर निर्भया की घटना लोगों के जहन में उतर चुकी है, जहां इस घटना से पूरा सरगुजा आक्रोशित है और मामले में संलिप्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर कठोर से कठोर सजा देने की मांग की जा रही है और सरगुजा जिले के कई ब्लॉकों में उस बच्ची के लिए कैंडल मार्च कर भावभीनी श्रद्धांजलि सभा कार्य किया गया। साथ ही समाज के हर वर्ग के लोग इस बच्ची को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है और अब तक केवल एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है जबकि अन्य फरार है। फांसी के बदले फांसी मांग कर रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक तरीके से मेरी बेटी का हत्या किया गया है और गलत हरकत किया गया है। हम लोग जैसे मेरी बेटी को मारे हैं, हम उसका मौत वैसे ही चाहते हैं, उसे भी वैसी फांसी मिले। क्या लग रहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है या फिर संरक्षण दे रही है, क्या लगता है? पुलिस आरोपियों को बचा रही है, हमें ये लग रहा है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही अच्छे से, क्योंकि पहला आरोपी को भी हम ही बताए कि उसका गले में चेहरे में खरोच है, तब जाके वो पहला आरोपी तत्कालिक में पकड़ाया है। क्योंकि हम बेटी का पीएम कराने के लिए जा रहे थे, उस टाइम जब जो बच्ची की माँ है वो अचानक से उसके चेहरे को देखी, पूरा खरोच उरोच लगा है, तब वो बताई, तब वो तत्काल पकड़ाया। वो भी थाना जाना पड़ा, थाना में बोलना पड़ा, तब थाने वाले आए, तब उसको पकड़े हैं। हमारे हिसाब से 3 आरोपी हैं और ये लोग 2 आरोपी से अच्छे से पूछताछ करना ही नहीं चाहते और मयंक पांडे के बारे में तो लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। मतलब आप कार्रवाई करिए ना भाई, पूछताछ करिए, कड़ाई से पूछताछ करिए। आप पहले क्यों निर्णय कर लिए हैं कि ये है ही नहीं गुनहगार? जब ये लोग फर्स्ट दिन ही आए, ताला खोले, अंदर गए, वहाँ के जो स्थानीय थाना है वहाँ के आए थानेदार लोग, वो लोग गए और सीधे देखे और बोल दिए कि नहीं ये आत्महत्या है। मैं तो 98% बताता हूँ आत्महत्या है। उस समय जब हम लोग लड़े और चिल्लाए, मेरे दामाद ऊपर तक फोन किए, तब इन लोग आगे जा करके फिर ताला लगाए और सील किए घर को। नहीं तो ये लोग उसी टाइम उठाते बेटी को और ले जा करके पोस्टमार्टम करके रख देते वहाँ और हम लोग को पता भी नहीं चलता कि बेटी के साथ क्या हुआ है। जब इसको फांसी बता दिया जाता, हाँ बता दिया जाता कि फांसी, मतलब ये शुरू से मतलब जो आरोपी ये किया है वो पहले से ही थाना में पैसा खिला चुके हैं आरोपियों को बचाने के लिए। और ये जो पहला आरोपी को लोग पकड़े हैं, बाबा खान को, ये कहते हैं ना कि एक लॉक खोलने के लिए एक चाबी रहता है, ये बस ये उस घर के लिए घुसने के लिए चाबी था और इसको मेन आरोपी बना करके इन लोग घुसा दिए हैं। वो आरोप किया है, हम भी जानते हैं, वो मैं ही पकड़वाई हूँ उसको, ऐसा नहीं कि वो आरोप नहीं किया है। लेकिन उसको उसके घर में भी पैसा खिलाया गया है और उसके साथ और आरोपी हैं, पुलिस वाले भी पैसा खाए हैं और उसको ये भी कहा गया है कि तेरे को हम बहुत जल्दी से जल्दी छुड़ा लेंगे, वो इसलिए गुनाह कबूल किया है। तो यहाँ पे आम जनता जैसे लोग, काफी लोग, जनता का सपोर्ट हम लोग को भरपूर मिल रहा है। आज हम लोग जनता के बदौलत है यहाँ से खड़े हैं। आज हमारी बेटी, मतलब क्या हमारी बेटी की अच्छी की होगी कि हमारी बेटी का कहाँ कहाँ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे लिए लोग खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज हमको अगर किसी से बोलना है, नेता से बोलना है या को करना है, तो उसके लिए धरना प्रदर्शन हम लोगों को करना पड़ता है, रैली निकालना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, थाना में भी चिल्लाना पड़ता है। ये सब चीजों के लिए हम लोग को हल्ला करना पड़ेगा, हमारी न्याय व्यवस्था को सुधारना चाहिए।